ओके तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम व्यू को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से यहाँ पे इसको मैं रख दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास अभी 3ds जो मैक्स है उसमें व्यू को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, मेन जो हमारा ये कंसेप्ट है इस वीडियो में वो है हमारा व्यू को कैसे ऑपरेट करेंगे इन 3ds मैक्स। और 3ds मैक्स के अंदर आपका व्यू जो है वो आपको कम्प्लीटली ऑपरेट करना आना चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट का बैक ऑफ से हमें कुछ भी उसको एडिटिंग करना है, टॉप से उसको मूव करना है, फ्रंट से मूव करना है, उसका बेस कैसे क्लियर करना है, तो वो जो है वो आप पूरा व्यू के थ्रू ही कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे 4 व्यू आते हैं, उसमें ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है और ये लेफ्ट व्यू है, ये पर्सपेक्टिव व्यू है। यहाँ से एक हल्का सा एक पैनल भी दिया है, फ्रंट व्यू में अगर आपको जाना हो तो डायरेक्टली आप यहाँ से जा सकते हैं, टॉप व्यू में जाना है, लेफ्ट व्यू में जाना है, साइड व्यू में जाना है, या तो फिर आपको होम वापस जहाँ थे वहाँ पे आना है, तो यहाँ से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव, होम, सेट करंट एज ए होम, कहीं से भी आप इस छोटे से डॉट के ऊपर जाके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे व्यू को कैसे हम रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, जूम कैसे करेंगे। मैं व्यू की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की नहीं। आपको पहले व्यू को कैसे ऑपरेट करना है वो सीखना होगा, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट को कैसे ऑपरेट करते हैं वो सीखेंगे। तो अभी मेरे पास 4 व्यू हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा पैनल दिया है और इस पैनल में आप देख रहे हैं यहाँ पे जूम है, जूम ऑल है, जूम एक्सटेंशन सिलेक्शन है एंड जूम एक्सटेंशन टू ऑल सिलेक्टेड है, और ये है हमारा फील्ड ऑफ व्यू, ये है हमारा हैंड एंड पैन व्यू, ये है हमारा ऑर्बिट सब्जेक्ट एंड ये है हमारा मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट। ठीक है, इन 8 ऑब्जेक्ट को हम बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जूम, जूम पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से आप किसी भी व्यू को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है। यहाँ पे क्लिक करें आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, टॉप व्यू को मुझे जूम इन जूम आउट करना है, लेफ्ट व्यू को मुझे जूम इन जूम आउट करना है, फ्रंट व्यू को मुझे जूम इन जूम आउट करना है, किसी भी व्यू को आप जूम इन करना हो या तो फिर जूम आउट करना हो तो हम जूम टूल का यूज करेंगे। उसके बाद है जूम ऑल, अभी इसमें इंडिविजुअल अलग अलग जूम होते थे, हर एक व्यू में मुझे जाके जूम अलग अलग करना था, लेकिन मुझे एक साथ जूम इन करना है 4 व्यू में, जितने भी हमारे व्यू हैं उसमें सब में एक साथ जो है वो जूम इन होना चाहिए। तो उसके लिए जूम ऑल का ऑप्शन दिया है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे जूम एक्सटेंडेड सिलेक्शन, यानी कि कोई भी हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसको ऑटोमेटिकली यहाँ से जूम कर देगा, उसके रिगार्डिंग है ये। जैसे ये अभी सिलेक्टेड है तो एक्सटेंडेड, जितना जितना उससे मैक्सिमम हो जो पाएगा उतना वो एक्सटेंड करके उसको सिलेक्ट कर देगा। देन है जूम एक्सटेंशन ऑल सिलेक्टेड, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं उनको वो एक्सटेंड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू, डेप्थ में देखना है, फील्ड इन डेप्थ में देखना है, ये है हमारा हैंड टूल, पेन टूल, इसको आप ऐसे मूव कर सकते हैं किसी भी व्यू को, यहाँ से आप सिंपली जूम कर सकते हैं, यहाँ से हम सिंपली किसी भी व्यू को मूव कर सकते हैं। आप इसके शॉर्टकट भी हैं वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, और मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट, मैक्सिमाइज करना है इस व्यू को, व्यू पोर्ट को मुझे एक ही व्यू पोर्ट में काम करना है, 4 व्यू पोर्ट जो है उसमें से जो भी मेरा सिलेक्टेड व्यू पोर्ट है उसी में काम करना है, तो आप यहाँ से मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जो एक्टिव व्यू है वो हमारा जूम हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमाइज हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये जो हमारा है वो मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट है, और इसका शॉर्टकट है Alt+W। मैं एक मिनट आपको शॉर्टकट का जो ऑप्शन है वो ऑन कर देता हूँ। तो आप कीबोर्ड में से अगर आपको मैक्सिमाइज किसी भी व्यू को करना है तो आप
Alt और W प्रेस करके आप कर सकते हैं, यहाँ से आप सिलेक्शन ऑल दे दीजिए। ठीक है, तो ये है इसकी खासियत कि आप किसी भी व्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल एकदम बेसिक जो इसका यूज है वो मैंने बताया। अभी मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, अंदर भी बहुत सारे दूसरे ऑप्शन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा मेरा, अगर ये मेरा जो सेशन है वो अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमने व्यू के बारे में सीखा है और इसके थोड़े बहुत मैंने आपको शॉर्टकट बताए, और कैसे व्यू को सिलेक्ट करना है, कैसे व्यू को रोटेट करना है, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, कैसे आप इसको मूव कर सकते हैं, कैसे भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम आउट कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने सिंपल बताया। बेसिक 3D मैक्स के बारे में बताया, रोटेट एग्जैक्ट हम कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्ट जूम आउट जूम इन कैसे कर सकते हैं, होम टैब क्या है, रिबन क्या है, तो बेसिक जो 3D मैक्स का है वो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया। बहुत ही सिंपल छोटा सा सेशन मैंने ये रखा था। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।